पूरा ऊपर ठंडा तो ही कर रहा है क्योंकि अब आप समझ सकते हैं। एक दो तीन, अब मासा मुझे ताना नहीं मार सकती कि मुझे इतना भी नहीं पता कि आपके कुर्ते में बटन कितने हैं। मैं यहीं लगा देती हूँ सूरज जी। मुझे देखिए कितनी मोटी मोटी लेकिन स्लाइड कर रही है सूरज जी पटापट। ये और ये वाली देखिए, ये वाली देखिए सूरज। एक बार पपूदा आओ ना, डबल रिएक्शन। सर सर मत उठिए, लग रहा है कि हम मतलब बीच में से चेंज। सर रेडी एक्शन। कितने भोले भाले लग रहे हैं ना, मुझे देखिए कितनी मोटी लग रही है। एक और सरप्राइज है मेरे पास, रेडियो। आज मैं हूँ आपकी डीजे। सर देखिए इसको ना, दिखा दीजिएगा सर को। ये देखिए, बताइए मुझे कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप? बाहर बैठे खिड़की के पास। हाँ ठीक है। सूरज डिनर के लिए। सर आज के सीन के बारे में आप दोनों जो बताइए। आज का सीन बहुत, आज का तो फुल डे एंजॉयमेंट डे है मेरे लिए क्योंकि ऑफ स्क्रीन कुछ अलग चीजें चल रही हैं और ऑन स्क्रीन, मतलब ऑफ स्क्रीन सूरज जी इतने एक्टिव हैं और ऑन स्क्रीन जो है सूरज जी बेचारे बीमार पड़े हैं, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या समझूं तो मुझे ऑन स्क्रीन बहुत ज़्यादा एक्टिंग की मेहनत करनी पड़ रही है एक्टिंग के अंदर उनको मतलब उनको हाथ लगाते तो बेचारे इतने तैयार होते हैं उठने के लिए। अरे भगवान, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, इनका वॉइस ओवर यही चल रहा होता है और मैं कहती हूँ नहीं आप बीमार है, नहीं आप बीमार है तो बड़े मस्ती एक एक अच्छे खासे अट्टे खट्टे इंसान को जब आप बीमार देखते हैं मतलब, और अचानक से उसको फिर एकदम सही देखते हैं, फिर अचानक से देखते हैं सीन में बीमार है, तो मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। पिछले 5 साल से मैं संध्या जी की सेवा में हाजिर रहा हूँ जैसा कि अगर आपने देखा हो, आज मुझे मतलब, मौका मिला है। नहीं, मतलब मौका इनको, ये मौके पे चौका मार रही है। मतलब मेरा मन करता है जैसे जैसे होता ना सीन्स में, हमेशा से पिछले 5 साल से कुछ चीज करने आती है तो मैं नहीं 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 मैं कर लूंगा, बार बार हाथ उठ रहा है नहीं नहीं मैं कर लूंगा, फिर बीमार हूँ मैं। आप अपने हाथ अंदर रखिए, आप बीमार है भाई तो हम लोग एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, मैं बार बार इनको बोल रही हूँ आप बीमार है, आप ये नहीं कर सकते। मतलब आज तो मुझे इतनी आजादी मिली मैंने सीन के अंदर, ये बेचारे तो बेड लेटे हुए बात कर रहे और मैं घूम सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं। आज ये मुझे नहीं बोल सकते आप नहीं यहाँ से आ नहीं चलेंगी, ऐसा कर लीजिए
अरे बहुत मजा आ रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है और नया फ्लेवर है एज एन यू नो इस तरह से. आपने भी संध्या को कभी नहीं देखा होगा, मैंने भी कभी नहीं देखा इस तरह से संध्या को, इस तरह के इमोशंस. क्योंकि सूरज जी उसकी स्ट्रेंथ है और आज वो स्ट्रेंथ जो है कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ हिलने से वो भी डगमगा गई है. तो ऐसा मतलब संध्या सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मतलब अपनी स्ट्रेंथ को कोई भी, जब स्ट्रेंथ पर सवाल उठता है तो फिर आपकी आप खुद वीक हो जाते हो. तो आज सूरज जी वीक हुए तो संध्या और ज़्यादा वीक हो गई है, बट स्टिल वो कोशिश कर रही है कि यू नो सूरज जी अपनी स्ट्रेंथ वापस लेकर आए तो उससे उसको भी स्ट्रेंथ मिलेगी, संध्या को भी स्ट्रेंथ मिलेगी. तो काफ़ी अच्छे एपिसोड्स हैं, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है परफॉर्म करने में और हमें परफॉर्म करने में. तो होपफुली आपको भी अच्छा लगेगा, ऐसा कोशिश है हमारी. फैंस फैंस के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी, फैंस के लिए, फैंस के लिए यही बोलना चाहूँगा कि जिसे आप प्यार करते हो वो आपके साथ हो और आपको हाथ पैर उठाने की इजाज़त ना हो तो ये बहुत बहुत बड़ा सजा ये बहुत बड़ी सजा है, इससे बड़ी सजा नहीं. तो मैं यही बोलना चाहूंगा सजा देखिए, जो लोग प्यार करते हैं वो पहले से प्रैक्टिस कर ले, बीच में अगर मौका मिले कि अगर हाथ पैर नहीं उठे. नहीं यार ऐसे तो कोई सोचे भी ना, ना 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 ऐसा मत सोचिए. एक बार कोई बीमार है और इतना मजा आ रहा है किसी को. फ्रेंड्स को यही बोलना चाहेंगे कि प्लीज आप अपने दिल को मत लगाइए, हम बहुत हंसते खेलते हंसी खुशी से ये सीन्स कर रहे हैं, आप भी इंजॉय कीजिए और हमें भी इंजॉय करने दीजिए. थैंक यू अगर मैं एक